हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं, डिस्कस करेंगे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में। अब ये क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो अलग अलग यूनिट्स के थ्रू अपना काम करती है, जो कि अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग स्टेट के अंदर, अलग अलग सिटीज के अंदर अपना सिचुएटेड है। अब रादर देन हर उस डिपार्टमेंट या हर उस यूनिट के नाम पे बिलिंग कराने के, जितनी भी सर्विसेज वो कंपनी रिसीव करती है वो एक हेड ऑफिस के नाम पे बिलिंग हो जाती है, जिससे कि बाद में वो हेड ऑफिस आगे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा उसके आईटीसी को, ताकि जो रिस्पेक्टिव यूनिट्स या ब्रांचेस हैं वो इसको यूटिलाइज कर सके अपने आउटपुट टैक्स के टाइम पे। द ओनली कंडीशन इज कि वो सेम पैन के अंडर रजिस्टर्ड होने चाहिए सारी चीजें। तो इसके अंदर क्या होगा, हम देखने वाले हैं सेक्शन नंबर 20, सेक्शन नंबर 21 एंड रूल नंबर 39। ये तीन चीजें यहां पर हम देखने वाले हैं। सेक्शन 20 बात करता है मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, कि किस मैनर में इस इनपुट सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सेक्शन 21 बात करता है कि अगर गलती से आपने, क्योंकि आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं चीज़ों को अपना बेसिस पे, आप उसको डिवाइड करेंगे अलग अलग यूनिट्स में, इन्हें बांटेंगे, गलती से अगर आपने उसका ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जितना होना चाहिए था उससे ज़्यादा आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो क्या होने वाला है, तो वो यहाँ पर बताया गया है कि इनकेस अगर एक्सेस डिस्ट्रीब्यूट हो गया है तो क्या होगा। एंड रूल 39 कवर करता है कुछ प्रोसीजरल चीजें। तो ये तीन चीजें आज हम देखने वाले हैं। तो अगर मैनर की बात करें तो गाइज यहां पर सिंपल सा एक बात है कि एक हेड ऑफिस है, ठीक है, वो ये पैन नंबर सबका सेम है, यानी कि सेम पैन के अंडर हेड ऑफिस रजिस्टर्ड है और सेम पैन के अंडर बाकी उसकी जितनी भी यूनिट्स हैं या ब्रांचेज हैं अलग अलग स्टेट्स के अंदर वो रजिस्टर्ड है। तो यहां पर इसको ए बी सी एंड डी का नाम हम दे देते हैं। अब ये कंपनी क्या कर रही है, अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए कुछ सर्विसेज लेती है, ठीक है। अब रादर देन ए या बी या सी या फिर डी इन सब के नाम पे अलग अलग बिलिंग होने के, वो क्या करती है, इसी एचओ के नाम पे सारी की सारी बिलिंग करवा लेती है। तो सर्विस रिसीव करी और सर्विस रिसीव करते हुए सारी बिलिंग हुई एचओ के नाम पे। अब हेड ऑफिस क्या करेगा कि जिसका जितना, अब उस पर आईटीसी मान लो इन्होंने 1,00,000 की सर्विस ले ली, जिस सर्विस को यूटिलाइज किया ए ने भी, बी ने भी, सी ने भी और डी ने भी, तो जब ऑब्वियस ही बात है कि जब आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी इनकी बनेगी तो उसके अंदर इनको इनपुट चाहिएगा। अब इस इनपुट को डिस्ट्रीब्यूट करना एचओ का काम है, और ये डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एचओ का एज अ आईएसडी रजिस्टर होना जरूरी है। बिना एज अ आईएसडी रजिस्टर होने के ये नहीं कर सकता ये चीज। अब इस एचओ का काम क्या होगा, उसको ये मेक श्योर करना है कि जिसका जितना इनपुट बनता है उसको उतना ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, जिस मंथ में वो रिसीव हुआ है उसी मंथ में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, और एक प्रॉपर मैनर में प्रो राटा बेसिस पे उसको एलोकेट किया जाए। तो यहां पर उसके तीन काम आ गए हमारे पास। पहली बात तो कि रिस्पेक्टिव यूनिट में उसको भेजा जाए, रिस्पेक्टिव मंथ में भेजा जाए, और अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो प्रो राटा बेसिस पे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी, रजिस्टर्ड आईएसडी की, जो हमारा यहां पर एचओ है जिसको हमने रजिस्टर्ड होना जिसका जरूरी है एज अ आईएसडी इन ऑर्डर टू डिस्ट्रीब्यूट द इनपुट्स रिसीव्ड। अब यहां पर बार बार बात हो रही है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की, तो गाइज यहां पर ये आपको ध्यान रखना है कि यहां पर गुड्स नहीं है। अगर आईएसडी की बात हो रही है उसमें गुड्स नहीं आएंगे, उसमें कैपिटल नहीं आएंगे, कैपिटल गुड्स और नॉर्मल इनपुट वाले गुड्स दोनों यहां पर नहीं आएंगे, यहां पर सिर्फ और सिर्फ सर्विस की बात हो रही है। क्योंकि गुड्स एक लॉजिकल सी बात है कि अगर गुड्स पे ए को कोई प्रोसेसिंग करनी है तो वो ए के पास ही पहुंचेंगे, वो एचओ के थ्रू नहीं घूम के जाने वाले। बट हाँ, सर्विसेज का हो सकता है कि कुछ सर्विसेज ऐसी हैं, कुछ प्रोसेसिंग की सर्विसेज है, कुछ कस्टमर केयर सर्विस है, या कोई भी ऐसी सर्विसेज है जो एचओ के थ्रू रिसीव की जा सकती हैं, उसका फिजिकली ए तक, बी तक, सी तक या डी तक जाना जरूरी नहीं है। तो कैपिटल गुड्स और गुड्स के केस में कोई सवाल पैदा नहीं होता आईएसडी का, सर्विस के केस में आईएसडी होता है, तभी इसको कहा जाता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। आगे चलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की बात आ गई, तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सबकी टर्नओवर है 1,00,000 रुपए,
या फिर किसी की 1 लाख है, इसकी 2 लाख है, इसकी 3 लाख है और इसकी हमारे पास बन जाती है 4 लाख। टोटल मिला के ये हमारे पास हो गया 10 लाख टोटल टर्नओवर। ठीक है, अब इनपुट सर्विस हमने देखा यहां पर 1 लाख रुपए था हमारे पास। तो जब इसको प्रोराटा हमें बांटना होगा तो कैसे बांटेंगे, सिंपल सा एक कैलकुलेशन आ जाएगी, 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू में रिस्पेक्टिव जो भी ए बी सी या डी आप किसी का भी लेंगे, तो अगर आपको बी का लेना है तो इंटू में 2 लाख आ जाएगा। तो ऐसे यहां पर ये आ जाएगा इसका एलोकेशन और इसको एलोकेट कर दिया जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि मे बी पिछले साल की टर्नओवर अवेलेबल ना हो आपके पास, हो सकता है कि इसी टर्नओवर बी की कोई टर्नओवर ही ना हो पिछले साल में, तो क्या होगा, जिस मंथ में आपको सर्विस डिस्ट्रीब्यूट करनी है उस मंथ से पहले का क्वार्टर जिसमें टर्नओवर थी, उस मंथ से पहले का जो भी क्वार्टर जिसके अंदर टर्नओवर थी उस क्वार्टर की पूरी टर्नओवर को ले लेंगे जिसमें सारों के अंदर टर्नओवर आपके पास प्रोवाइड की गई हो और उसके बेसिस पे उसको एलोकेट कर लिया जाएगा। इन केस यहां पर निकलता है कि डी ने कोई सर्विस ली ही नहीं थी तो जबरदस्ती थोड़ी देंगे उसको, अगर डी ने कोई सर्विस नहीं ली थी तो उसका आईएसडी भी नहीं बनता, वो सिर्फ बटेगा ए बी और सी के अंदर। तो ये यहां पर ऐसे पॉइंट यहां पर हमारे पास हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें सेक्शन नंबर 21 की जो बात करता है एक्सेस डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो क्या होगा, तो अगर गाइस एक्सेस डिस्ट्रीब्यूट हो गया है तो एक क्रेडिट नोट इशू किया जाएगा और उस क्रेडिट नोट के बेसिस पे उस एक्सेस को रिड्यूस कर दिया जाएगा और जो एक्सेस डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड हो जाएगा और आपको नॉर्मल टैक्स की तरह उसको पे करना पड़ेगा। अगर आप पे नहीं कर पाते हैं तो रिकवरी के प्रोविजन जो नॉर्मली टैक्सेशन में लगते हैं वो भी यहां पर लग जाएंगे, तो सेम मैनर में वहां पर आ जाएगा। वो ये मान लिया जाएगा कि आपने टैक्स पे ही नहीं किया कभी, तो सेम मैनर में आपके पेनल्टी लगेगी, सेम मैनर में आपको इंटरेस्ट लगेगा, सेम रिकवरी के प्रोविजंस यहां पर अप्लाई हो जाएंगे ये मानते हुए कि आपने टैक्स पे ही नहीं किया था। तो ये हुआ हमारे पास सेक्शन नंबर 21। सेक्शन 20 हमने देख लिया किस मैनर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, एचओ का रजिस्टर होना जरूरी है, जिस जिसने सर्विस ली है उसको वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, सर्विस ही होनी चाहिए, गुड्स और कैपिटल गुड्स नहीं हो सकते, या यहां पर ये सब चीजें हमने देख ली है। अब एक पॉइंट आता है रूल नंबर 39 जो कि है थोड़ा सा प्रोसीजरल, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, हमने मोस्टली ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है पूरा का पूरा आईएसडी का टॉपिक। प्रोसीजरल पार्ट के अंदर क्या आता है कि गाइस सबसे पहली बात तो जो इनवॉइस रेज होगा, जो पर्टिकुलर इनवॉइस यहां पर रेज होगा वो इनवॉइस होना चाहिए, उस पर लिखा होना चाहिए कि ये आईएसडी पर्पस के लिए है। ओके, सेकेंड पॉइंट हमारे पास ये आता है कि जो क्रेडिट अगर आपको आपने कम भेजा है उसको तो डेबिट नोट आप रेज कर सकते हैं, यानी कि जितना डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था उससे कम डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो डेबिट नोट आप रेज कर सकते हैं, अगर ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो आप क्रेडिट नोट रेज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे वाली है, तो सबसे पहले डिटेल इसके अंदर आने वाली है कि इनवॉइस की जितनी डिटेल्स होती हैं जीएसटीआई नंबर ये सब चीजें इसके अंदर आएंगी। ओके, एक सीरियल नंबर यहां पर आएगा, इस सीरियल नंबर का यहां पर होना जरूरी नहीं है अगर आप बात कर रहे हैं बैंक की या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस आएगा, ओके, किसके पास जा रहा है ये आएगा, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर अमाउंट कितना होने वाला है, अमाउंट क्रेडिटेड कितना जा रहा है, अमाउंट ऑब्वियस सी बात है अमाउंट का होना जरूरी है यहाँ पर, और लास्ट में यहाँ पर आएगा कि सिग्नेचर ऑफ द आईएसडी, ये कुछ डिटेल्स यहाँ पर साथ में दी जाएंगी। तो नेक्स्ट यहाँ पर आएगा कि आपके पास मंथ टू मंथ बेसिस चलेगा कि जिस मंथ का वो इनपुट सर्विस है उसी मंथ में उसको प्रोवाइड किया जाए, उसी मंथ में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। फिर डेबिट क्रेडिट के बारे में हम बात करेंगे कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट उसमें इशू किया जाएगा। डेबिट नोट क्रेडिट नोट उसमें इशू किया जाएगा और उसके बाद हम देखेंगे कि जीएसटीआर 6 फाइल की जाएगी रिगार्डिंग इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन, और उस जीएसटीआर 6 के साथ किस कब तक वो फाइल करनी जरूरी है, तो वो प्रोसीजर पार्ट के अंदर आता है, वो फाइल करनी जरूरी है नेक्स्ट मंथ के 13th डे ऑफ नेक्स्ट मंथ आपको वो फाइल कर देनी है। उसके बाद हमारे पास आता है डेबिट क्रेडिट नोट के बारे में जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो डेबिट नोट बात करता है अगर आपने सर्विस कम दी है, क्रेडिट नोट बात करता है अगर आपने इनपुट सर्विस ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया,
तो यहाँ पर उस मैदान में ये चीज़ आती है। तो गाइज यही था इस टॉपिक के अंदर। सबसे पहले हमने देखा कि इसके अंदर सेक्शन में 20 के अंदर हम देखा किस मैनर में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, वो रजिस्टर्ड होना जरूरी है, प्रोराटा बेसिस पे भेज सकता है, टर्नओवर के बेसिस पे सब कुछ बांटा जाएगा, जिसके ऊपर सर्विस नहीं लगती उसको नहीं भेजना है। एक इसके अंदर मेन पॉइंट ये आता है हमारे पास कि इनपुट जो है किस किस फॉर्म में होता है। हमारे पास IGST हो सकता है, CGST हो सकता है, SGST हो सकता है और UTGST हो सकता है। तो गाइज यहाँ पर एक बेसिक सी बात यह आती है कि अगर IGST है तो उसको IGST की तरह आगे हम भेज देंगे, बट अगर CGST, SGST या UTGST है, फॉर एग्जाम्पल हरियाणा का मेरे पास SGST आ गया और CGST आ गया एज अ इनपुट, तो उसको हरियाणा में अगर मुझे भेजना है तो मैं एज इट इज उसको CGST एंड SGST की तरह सेट ऑफ कर सकता हूँ, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट उसको एडजस्ट कर सकता हूँ। बट अगर हरियाणा की जगह मैं बात करूँ कि यहाँ पर यूपी की ब्रांच है, हरियाणा का हेड ऑफिस है, यूपी की ब्रांच है, तो उस केस के अंदर मैं SGST को और CGST को एज इट इज़ नहीं भेज सकता, मुझे उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर IGST के एक पैकेट के अंदर डालना होगा। एक कुरियर अगर मेरे को फॉर एग्जांपल अगर हरियाणा से यूपी भेजना है तो कुरियर के अंदर उसके अंदर डालना होगा मुझे IGST के, और तभी मैं उसको आगे वहां तक भेज पाऊंगा यूपी तक। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बनता है कि IGST के अंदर चला जाएगा। अगर CGST, SGST एंड UTGST है और रिस्पेक्टिव CGST और UTGST और SGST के अगेंस्ट आपको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी की जगह एडजस्ट करना है तो आप सेम मैनर में कर सकते हैं, हरियाणा का हरियाणा, यूपी का यूपी कर सकते हैं। बट अगर यूपी से आपको हरियाणा या फिर हरियाणा से यूपी वाइस वर्सा कुछ भी सिचुएशन में किसी भी अलग स्टेट में आपको भेजना है तो आप उसको SGST, CGST एंड UTGST को IGST के पैकेट में डालेंगे और फिर आगे उसको फॉरवर्ड करेंगे। तो ऐसे यहाँ पर ये होता है। और फिर यहाँ पर हमने देखा कि क्या क्या काम रहेगा HO का। तो सबसे पहले वो रजिस्टर होना चाहिए ISD के अंडर, फिर उसके बाद वो क्या देखेगा कि किस किस रिस्पेक्टिव जिस यूनिट का बनता है उसी यूनिट को वो फॉरवर्ड करे, जिस मंथ का है उसी मंथ में वो फॉरवर्ड करे और प्रोराटा बेसिस पे उस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करे। तो ये यहाँ पर इसका ध्यान रखना इसको जरूरी है। 39 था प्रोसीजरल पार्ट, काफ़ी सिंपल सा पॉइंट था जिसमें हमने इनवॉइस के बारे में देखा, इनवॉइस में क्या क्या डिटेल्स होंगी, एक इनवॉइस रेज करना जरूरी है ये देखा, और फिर डेबिट और क्रेडिट नोट के बारे में देखा, एंड सेक्शन 21 जो बात करता है रिकवरी के बारे में कि अगर आपने गलती से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो जो एक्सेस डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उसको मान लेंगे कि आपने टैक्स ही पे नहीं किया और सेम मैनर में उसकी रिकवरी की जाएगी आपसे। सो गाइज यही था इस टॉपिक के अंदर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।